Hello folks, how do you do? I'm Dr. Bobby Gandhi. Welcome to my educational channel. Before I start my explanation video, I request to all to subscribe my channel, like it, share it with your friends, give me feedback under the comment section what you like and what you don't like so that I can rectify my mistakes here. Okay, let's start. द फेलिंग ऑफ द बनियन ट्री, इसका मतलब होता है बरगद के पेड़ का काट कर गिरना। इस पोयम को लिखने वाले पोएट है इंग्लिश के बहुत ही पॉपुलर पोएट दिलीप चित्रे जी। दिलीप चित्रे जी की फ़ोटो आप लोग तो देख ही रहे होंगे, ये इंग्लिश के बहुत ही पॉपुलर पोएट है। इस कविता में कवि ने हमें, दिलीप चित्रे जी ने बताया है कि जब घर से बरगद के 200 साल पुराने बहुत ही पुराना पेड़ को काटा गया तो पोएट को बहुत बेकार लगा और पोएट की दैनिक भावनाएं, ये फीलिंग्स इस पोएम में बताई गई है। इस पोएम में पोएट के पिता ने सभी किराएदारों को घर खाली करने को कह दिया था क्योंकि सभी पेड़ नीम के, शेगों के, व्हाटएवर, बहुत सारे पेड़ किराए के सभी मकान सब गिरा दिए गए, परंतु बरगद के पेड़ मतलब कि बड़ के पेड़ को गिरने में समस्या प्रॉब्लम आ रही थी। वह पेड़ 200 साल पुराना था, 50 फुट गहराई से पोएट के घर से 3 गुना ऊंचा था। दिलीप चित्रे जी के घर से 3 गुना ऊंचा था यह बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की जड़ें पूरी ज़मीन में पाताल तक पहुंच गई थी। हमारे दिलीप चित्रे जी की दादी माँ हमेशा कहा करती थी कि पेड़ चाहे कोई भी हो बहुत पवित्र होते हैं, यूज़फुल होते हैं, उपयोगी होते हैं और हमारे फ्रेंड दोस्त हुआ करते हैं। कौन? झाड़, पौधे, पेड़। पेड़ काटना एक क्राइम है, एक अपराध है, दिलीप चित्रे जी की दादी माँ यह कहा करती थी। पर पिताजी ने इस बरगद के पेड़ को काटने का आदेश दे दिया था। इस पेड़ को काटने में 7 दिन का समय लगा, पूरा 7 डेज इस पेड़ को काटने में लगा। लगभग 50 लेबर्स को, लगभग 50 मजदूरों को इस पेड़ को काटने में लगे और इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े करवाए गए। आज हमारा पोएट बड़ौदा को छोड़कर मुंबई आ गए हैं, फिर भी उस बरगद के पेड़ की यादें आज भी उनके दिल में जिंदा है। इस प्रकार दिलीप चित्रे जी ने 12th के बच्चों को इस पोएम के द्वारा बरगद के पेड़ को लेकर फीलिंग्स को शेयर किया है और नाम दिया इस पोएम का द फेलिंग ऑफ द बनियन ट्री। अब आप लोग बहुत पढ़े और आगे बढ़े और इस पोएम में पोएट का नाम लिखना ना भूले, दिलीप चित्रे। तो आप मेरी गाइड से, 12th की गाइड से पढ़ सकते हैं, ये महाराष्ट्र के हर बुक डिपो में अवेलेबल है। और आपको लगता है मेरी ऑन लैंग्वेज में सीखना है तो आप ऑनलाइन सीखिए, इसलिए आप इसको रिपीट कीजिए बार बार इस वीडियो को और पढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट, ओके, बाय।